जय हिंद, वंदे मातरम। आइए साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम देखने वाले हैं मार्च 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। तो पिछले दो वीडियो में हमने जनवरी और फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लिए थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है करंट अफेयर्स 2022 का। तो आपके साथियों पेट परीक्षा में यहाँ से 10 नंबर पक्के होने वाले हैं और आपके साथियों अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न फंसेंगे। तो साथियों एक एक क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के सभी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो निचोड़ बन रहे हैं उसको देखने वाले हैं। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न से। साथियों आपका प्रश्न है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला? तो साथियों आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को साथियों तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में साथियों सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मोदी स्टोरी की वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने साथियों मोदी स्टोरी की वेबसाइट लॉन्च की है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है क्योंकि आपके प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी से संबंधित है, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है कि मोदी स्टोरी की वेबसाइट किसने लॉन्च की, तो सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। तो इसका पीडीएफ भी आपको साथियों नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी वी सिंधु ने साथियों स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब जीता, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका साथियों, किस वर्ष में योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो साथियों आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में आपका जो चुनाव हुआ था, ठीक है, उसमें 2022 में उसमें साथियों योगी आदित्यनाथ जो है दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। तो साथियों इसके पहले कब बने थे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दूसरी बार 2022 में जो है उन्होंने चुनाव जीता है। अगला प्रश्न साथियों, जितना भी स्टार लगाया जाए उतना कम है क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी खास प्रश्न होने वाला है। एबल पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो एबल पुरस्कार 2022 साथियों किसने जीता? आपका सही उत्तर हो जाएगा डेनिस पार्नेल सुलीवन, ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एबल पुरस्कार डेनिस पार्नेल ने जीता, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, रख लीजिए। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण मार्च 2022 में कहाँ किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपका ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था 2022 में, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है, में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जिया राय साथियों पाक जल डमरू मध्य ये साथियों किन दो देशों के मध्य है नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तो साथियों पाक जल डमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला साथियों जिया राय है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी लाजवाब आपकी परीक्षा के लिए, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 पुरुष से किसको सम्मानित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा ने साथियों जेवलिन थ्रो में आपका साथियों ओलंपिक में काफ़ी महत्वपूर्ण और शानदार प्रदर्शन किया था भारत की तरफ से, तो इसलिए इनको साथियों स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 का खिताब से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में किस खिलाड़ी ने लक्ष्य सेन को हराया? तो साथियों आपका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर एक्सेल सेन ने जो है इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में लक्ष्य सेन को हराया, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों SDF के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
लमीते पढ़िए या इसको साथियों लमाइते 2022 किस देश में आयोजित किया गया, तो ये साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सेशेल्स। सेशेल्स में ही साथियों आयोजित किया गया था कौन सा अभ्यास, लमीते या लमाइते 2022। अगला प्रश्न है साथियों, आठवीं बार एशियन विलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीता, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी पंकज अडवाणी ने जीता। अगला प्रश्न है साथियों, सन 2021 में मिस वर्ल्ड कौन बनी, तो मिस वर्ल्ड साथियों 2021 में कौन बनी थी, आपका उत्तर सही जाएगा डी करोलिना विलावस्का। ठीक है, करोलिना विलावस्का जो है ये साथियों मिस वर्ल्ड 2021 जो है बनी थी, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली क्या है, तो साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, भारतीय रेल द्वारा कवच प्रणाली शुरू की गई, तो आपका एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कवच प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई, तो भारतीय रेल द्वारा। ये साथियों आपका ट्रेनों की टक्कर रोकने की नई सुरक्षा प्रणाली है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों 8 मार्च को मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करंट अफेयर्स है मार्च का, इसलिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है साथियों, NCERB क्या है, NCERB साथियों इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो साथियों याद कर लीजिए। चलिए साथियों मार्च 2022 के लास्ट प्रश्न को देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण। ऑपरेशन गंगा क्या है साथियों, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लाने के लिए निकासी योजना। साथियों यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध छिड़ जाने के बाद भारतीय जो नागरिक थे यूक्रेन गए थे उनको साथियों लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया जिसको ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों कैसा लगा वीडियो आपको नीचे कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।